आप डॉक्टर आप समझते होंगे आपको हॉस्पिटल का नहीं है बोलते नहीं आप कभी सवाल ये क्या बात कर रहे नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। विधायक हो या फिर नेता हो, जब उन्हें वोट चाहिए होता है तो वो आम जनता के बीच आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, और उसके बाद जब वो किसी उच्च पद पर बैठ जाते हैं तो फिर उनकी दादागिरी भी देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ था जदयू विधायक के साथ। जदयू विधायक के दादागिरी से डरे हुए डॉक्टर अब अस्पताल आना छोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार की सत्ताधारी जदयू विधायक ने जिस दिन से डॉक्टर को उंगली दिखाई है उस दिन से उन्होंने अस्पताल आना छोड़ दिया है। सदर अस्पताल के डॉक्टर चंदन कुमार को मानसिक बीमारी बताते हुए पिटाई करके ठीक से धमकी देने वाले जदयू एमएलए राजकुमार सिंह ने दी थी। डॉक्टर चंदन घटना के बाद से सदर अस्पताल से गायब है, वो अस्पताल आ ही नहीं रहे। घटना के बाद 28 नवंबर से गायब है। सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सिंह को मानसिक रूप से बीमार होने का आवेदन जरूर डॉक्टर चंदन ने भेजा है। इस बीच सिविल सर्जन ने उनकी मानसिकता स्थिति की जांच करने के लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया है। इसकी सूचना डॉक्टर चंदन को दी गई थी लेकिन वो आज तक सदर अस्पताल नहीं आए हैं, ना ही इसके बारे में किसी को जानकारी दी है। दरअसल मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह और सदर अस्पताल के डॉक्टर चंदन के बीच विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें चंदन जो है वो ड्यूटी से गायब थे। इस बीच डॉक्टर चंदन कुमार ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर सूचित किया कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो ड्यूटी ज्वाइन करने में असमर्थ हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें जानकारी है कि डॉक्टर चंदन लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित है, बिना सही माध्यम के एक पत्र भेज दिया है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी हालत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद डॉक्टर चंदन कुमार सदर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुए। इतना ही नहीं, डॉक्टर चंदन ने सिविल सर्जन को लिखित रूप में या फिर दूसरे सोर्स से मेडिकल बोर्ड के सामने आने का नहीं कारण जो है वो बताया है। सिविल सर्जन ने कहा है कि डॉक्टर चंदन की ओर से किए गए शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पेंडिंग है, इस वजह से उन्हें सदर अस्पताल में आकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तैयार करना जरूरी है। बिना वैध कारण के वे ड्यूटी से गायब है। सीएस ने बताया है कि संबंध में डॉक्टर चंदन को पत्र दिया गया है और इसकी सूचना राज्य मुख्यालय को भी दे दी गई है। विधायक ने डर से नहीं आने के सवाल पर सिविल सर्जन ने कहा है कि वैसी कोई बात नहीं है, विधायक जी कोई असामाजिक लोग नहीं है, वो सम्मानित है, उनका सम्मान करना डॉक्टर का काम था। दरअसल एमएलए राजकुमार और डॉक्टर चंदन के बीच हुई बहस का वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें जदयू के विधायक डॉक्टर साहब को उंगली दिखाते हुए नजर आए थे, डॉक्टर और विधायक के बीच बहस होता हुआ नजर आया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था और अब जब वही डॉक्टर के बारे में पता लगाया जा रहा है तो वो डॉक्टर 2 महीने से अस्पताल ही नहीं आए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।